नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है राजस्थान दोपहर का और सबसे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, रायसिंह नगर से आ रही है। पंजाब के चार तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, भारत पाक सीमा से बीएसएफ ने इन्हें गिरफ्तार किया है और तस्करों से करीब 3.5 किलो हेरोइन जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि 8 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। तस्करों से एक कार और नकदी भी बरामद की गई है। बॉर्डर पर स्थित गांव खैली का यह मामला बताया जा रहा है जहां पर यह कार्रवाई हुई है। पंजाब के चार तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, रायसिंह नगर से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। भारत पाक सीमा से बीएसएफ ने इन्हें गिरफ्तार किया है और तस्करों से करीब 3.5 किलो हेरोइन जब्त की गई है। करीब 18 करोड़ रुपए इसकी कीमत आंकी जा रही है। बॉर्डर पर स्थित सीमा के पास पंजाब के चार तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, भारत पाकिस्तान सीमा से बीएसएफ ने इनको गिरफ्तार किया है। तस्करों से करीब 3.5 किलो हेरोइन भी जब्त की गई है। करीब 18 करोड़ रुपए इसकी कीमत आंकी जा रही है। बॉर्डर पर स्थित गांव ख्याली में इस पूरी कार्रवाई को बीएसएफ की ओर से यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से अंजाम दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि रायसिंह नगर से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि नशा तस्करी के खिलाफ बीएसएफ ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और हमारे संवाददाता विक्की भडोरिया हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विक्की, बताइए किस तरीके से बीएसएफ को यह बड़ी सफलता मिली? हाँ बिल्कुल अमित जी, मैं अपने हर खबर के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि भारत पाकिस्तान सीमा पर ख्याली वाला बॉर्डर के चेक पोस्ट पर ये जो बॉर्डर है ख्याली वाला बॉर्डर, वहां पर इन चार तस्करों को बीएसएफ ने गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि इनके कब्जे से 3.5 किलो से ऊपर की हेरोइन भी मिली है, जहां पर अगर सरकारी रेट की बात करते तो लगभग 18 करोड़ रुपए की ये हेरोइन है। और ये जो है पंजाब से अमृतसर के पास ही कोई गांव है, वहां से ये तस्कर आए थे। और ये पाकिस्तान जो बॉर्डर है और ये ड्रोन की मदद से ये यहाँ पर इसको हेरोइन को यहाँ सप्लाई किया जा रहा था। और कुछ दिन पहले भी कर्णपुर एरिया के पास से ही करीब 5 से 6 किलो हेरोइन मिली थी। तो यहाँ पर आए दिन इस तरह की जो पंजाब से टच होने के कारण और ये राजस्थान श्री गंगानगर जो जिला है बिल्कुल सीमा भारत पाक की सीमा पर ये बसा हुआ है और इसी कारण आए दिन यहाँ पर इस तरह की हरकतें देखने और सुनने को मिलती है। और कुछ दिन पहले भी 5 से 6 किलो हेरोइन भी यहाँ से बरामद की गई थी। जी विक्की, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की, जहां धरने पर बैठे जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ सदर थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। सुरेश धाकड़, सदर थाना भवन को खाली करने की मांग उनकी ओर से की जा रही है और पहले भी थाना खाली करने की मांग उठी थी। सदर थाने के बाद अब भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस थाने को खाली करने की मांग पहले भी उठी थी। सदर थाना पुलिस पर अब भारी पुलिस की जो तैनाती है वो यहां पर की गई है पुलिसकर्मियों की। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर ये आपको यहां पर हम बता रहे थे, किस तरीके से जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ धरने पर बैठ गए और उनके इस धरने पर बैठने की जो बड़ी वजह है वो बताया जा रहा है कि वो इससे पहले भी ऐसी मांग करते रहे, यानी कि जो मांग है कोई नई मांग नहीं है, इससे पहले भी ये मांग उठ चुकी है। करौली से एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। टोड़ा भीम तहसील में आग का कहर देखने को मिला है। अलग अलग स्थानों पर भीषण आग लगी है। बालघाट बाजार में शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। दुकानदारों और ग्राहकों ने आग पर काबू पा लिया है। मुराड़ा गांव में आग के कारण अज्ञात बताए जा रहे हैं। मोरना में सैकड़ों पेड़ जलकर राख हो चुके हैं। ये एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं करौली से, जहां भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है और एक नहीं बल्कि कई जगहों पर ये आग लगी है और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह रही है। मुरड़ा गांव में अज्ञात कारणों से हालांकि आग लगी है, अभी इसका पता नहीं चला है। टोडा भीम तहसील में आग लगने की खबर सामने आ रही है। अलग अलग स्थानों पर यह भीषण आग लगी है। बालघाट बाजार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और कई जगह ऐसी हैं जहां पर कुछ पता नहीं चल पाया है कि इस आग लगने की वजह क्या रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से कई जगह आग की घटनाएं सामने आई हैं। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है वैसे वैसे आग की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं और आज कई जगहों से कई इलाकों से आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जहां पर कुछ जगह ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, तो कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है आग लगने का कारण क्या रहा है।
टोड़ा भीम तहसील की बात करें तो यहां पर भी आग ने अपना कहर बरपाया। नागौर की बात कर लेते हैं, जहां देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। एसपी के आदेश पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 महिला और 4 पुरुष गिरफ्तार किए गए। बड़ी खाटू इलाके में पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये बड़ी जानकारी, जहां एसपी के आदेश पर पुलिस ने इस देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। 2 महिला और 4 पुरुष इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है नागौर का यह मामला, जहां पर एसपी के आदेश पर पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें 2 महिला और 4 पुरुष मौके से गिरफ्तार किए गए। बड़ी खाटू इलाके में पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 महिला और 4 पुरुष इस दौरान गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि पुलिस को काफी समय से इस बात की सूचना मिल रही थी, उसके बाद एसपी ने आदेश जारी किए और उसके बाद इस पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में 4 पुरुष और 2 महिलाओं को आप यहां पर देख सकते हैं तस्वीरों में। और बताया जा रहा है कि देह व्यापार के गंदे धंधे में ये लोग सभी संलिप्त हैं और अब पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। पाली के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह रायरा के नेतृत्व में सीएम सलाहकार निरंजन आर्य को कांग्रेस के घोषणा पत्र और बजट सत्र के घोषणा के अनुसार संविदा कैडर में जल्द नियमित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। संघ के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह रायरा ने बताया है कि निरंजन आर्य साहब देवडुंगरी मंदिर के कार्यक्रम में आए थे, उन्हें ज्ञापन देकर जल्द से जल्द संविदा कैडर में लेकर नियमित करने की मांग की गई। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर सोमवार को पंजाब पुलिस धौलपुर पहुंची, जहां धौलपुर पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के दोनों गुर्गों से पूछताछ हुई। पुलिस उप अधीक्षक दीपक खंडेलवाल ने बताया है कि पंजाब पुलिस को इनपुट मिलने के बाद धौलपुर पहुंची थी। पकड़े गए दोनों बदमाश पंजाब में मूसेवाला की रेकी करने गए थे, साथ ही अन्य वारदातों में पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस आई थी। कोई इनपुट जिस तरह का पंजाब पुलिस में ये लोग गए थे उसकी रैकी करने के लिए, तो उसके लिए पूछताछ के लिए और अदर इनके जो भी कांड कोई हो ये पता करने के लिए कि हमारे किसी वारदात में शामिल है कि नहीं, इस काम के लिए पंजाब की पुलिस की टीम यहाँ पर आके इनसे पूछताछ कर रही है। रावतसर वितिरका में सड़क के किनारे डालने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी खबर हर खबर ने प्राथमिकता से दिखाई, जिसके बाद अब सिंचाई विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए। रावतसर वितिरका के किनारे पर लगे कचरे के ढेर को हटाया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नहर में सफाई का काम भी किया गया था, जहां ठेकेदार ने कचरा निकालकर सड़क के किनारे डाल दिया, जिससे आवागमन में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। कचरे को हटाने का काम शुरू होने के बाद ग्रामीणों ने हर खबर का आभार भी जताया। हनुमानगढ़ में भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें जिला कलेक्टर ने लंबित योजना आवेदनों की जांच और निस्तारण की समीक्षा करते हुए कहा है कि बचे हुए 14% आवेदनों का संबंधित अधिकारी आने वाले 3 दिनों में जांच कर 100% लक्ष्य हासिल करें। जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी ने बताया है कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2022-23 के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के लंबित प्रकरणों के क्रम में श्रमिकों को राहत देने के लिए जिला स्तर पर 3 महीने में समस्त पात्र प्रकरणों का भुगतान करने की घोषणा की थी और इसी घोषणा की अनुपालना में जिला कलेक्टर ने 30 जून तक जिले के 23,000 लंबित प्रकरणों की जांच करने के निर्देश दिए थे। और स्कूलों में स्कूल में सभी बालक बालिकाएं और गर्भवती एवं धार्मिक महिलाएं जो स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चाहे गुरुवार टीकाकरण के लिए आ रही है या हनुमानगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लंबित योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। जिला कलेक्टर ने इन योजनाओं की समीक्षा की है और जो संबंधित अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे, कर्मकार मंडल की ये समीक्षा बैठक थी और उनको भी
दिशा निर्देश यहाँ पर जिला कलेक्टर की ओर से दिए गए कि लंबित योजनाओं पर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से एक समयावधि में इन सभी को पूरा करना है। मेड़ता सिटी के गमारड़ी गांव के एक खेत में बने फार्म पॉन्ड में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने शव को बाहर निकाला और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मृतक युवक की शनाख्त कांवरियाट गांव निवासी किशोर नाथ के रूप में हुई। घर वालों ने बताया कि वो बिना कहे घर से निकल गया था और रात भर बाहर था, जिसके बाद उसका गाँव इसका जो शव है वो गाँव गवारड़ी के फार्म पॉन्ड में मिला है। आपको बता दें कि ऐसा ही हादसा दो दिन पहले थामला के फार्म पॉन्ड में मिला था, जिसमें तीन लोगों की जान गई थी और ये तीन दिन में ही दूसरा बड़ा मामला सामने आया है। तो फार्म पॉन्ड में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई है। गोताखोरों ने इस शव को बाहर निकाला और ये पहली बार नहीं है, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि बीते कुछ ही दिन के अंदर ये दूसरा बड़ा मामला इस तरीके से सामने आया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से ये हादसे आए दिन हो रहे हैं। बूंदी जिले के पेच की बावड़ी के पास हुए हादसे में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि 13 मई को धर्मराज को पेच की बावड़ी के पास एक अज्ञात कार ने टक्कर मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। की बावड़ी थाना हिंडोली निवासी धर्मराज पुत्र अमरचंद जाति का दिनांक 13/5/22 को पेच की बावड़ी कट के पास एक्सीडेंट होने से जेर इलाज MBSH कोटा में भर्ती था। झालावाड़ जिले के चौमहला में जयपुर डिस्कॉम कार्यालय की घुसखोर AEN को SB कोटा की टीम ने 10,000 रुपए की घूस लेते हुए रगे हाथों पकड़ा है। आपको बता दें कि भ्रष्ट डिस्कॉम अधिकारी हरकेश मीणा ने यह राशि पीड़ित से घरेलू विद्युत कनेक्शन के खराब ट्रांसफार्मर को बदलने की एवज में मांगी थी। फिलहाल SEB कोटा की टीम आरोपी AEN से पूछताछ कर रही है। तो CI ACB को ये बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि 10,000 रुपये की रिश्वत लेते एक AEN को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि काम के एवज में AEN ने ये रिश्वत की मांग की थी, लेकिन ACB ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपी को धर दबोचा है। ACB कोटा ग्रामीण की टीम के द्वारा चौमेला AEN कार्यालय के अंदर ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया। परिवादी रामचंद्र शर्मा निवासी चोर बल्टी के द्वारा हमें रिपोर्ट की गई थी, उसको ट्रांसफार्मर बदलवाना था। उसकी एवज में AEN
JVVNL चौमेला के द्वारा 15,000 रुपये की डिमांड की जा रही है। आज वेरिफिकेशन करवाया गया और 10,000 रुपये की डिमांड इनके द्वारा की गई। उस डिमांड के क्रम में ट्रैप कार्रवाई जाकर के और रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। और अब खबर है रामगंज मंडी से, जहां चेचट पुलिस ने अवैध जुआ सट्टा पर कार्रवाई करते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 31,230 रुपये नकदी बरामद की है। कोटा ग्रामीण एसपी काविन सिंह सागर ने बताया है कि कोटा ग्रामीण पुलिस की ओर से अवैध जुआ सट्टा शराब मादक पदार्थ अवैध कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत थाना अधिकारी अमरनाथ जोगी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने अवैध जुआ सट्टा पर कार्रवाई करते हुए शरीफ हुसैन, वंदना राजपूत, राधेश्याम, भैरूलाल तैली और राम अवतार खारवाल को गिरफ्तार किया। तो रामगंज मंडी का ये मामला है, जहां पर चेचट पुलिस की ओर से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। चेचट पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी इसको कहा जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार सटोरियों पर नजर बनाए हुए है और यही वजह है कि अब 5 सटोरियों को गिरफ्तार करने में ये सफलता हासिल की है, जिसमें एक महिला भी शामिल बताई जा रही है। तो सट्टेबाजी को बढ़ावा ना मिले, इसलिए पुलिस काफी सतर्क है, अलर्ट है और यही वजह है कि अब चेचट पुलिस की ओर से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें 5 सटोरियों को पुलिस ने धर दबोचा है और इसमें बताया जा रहा है कि एक महिला भी शामिल है जो इन सट्टेबाजों का साथ देती थी और सट्टा भी लगाती थी। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जाँच करेगी, पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ के आधार पर ही अपनी आगे की कार्रवाई को पुलिस बढ़ाएगी। सिड़वा उपमंडल उपखंड क्षेत्र के हाथला गांव में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर बाखासर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस शव की शनाख्त करवाने सहित मौत के कारणों को जानने का प्रयास कर रही है। वहीं आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। सिड़वा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एक शख्स का शव बरामद हुआ है। हालांकि शव की शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस इस शव की शनाख्त करने में जुटी हुई है। अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, कहां का रहने वाला है और किस वजह से इसकी मौत हुई है, इसकी मौत हुई है या इसकी हत्या की गई है, इसका अगर हत्या हुई है तो उसके कारण क्या रहे। अब ये जाँच का विषय है, जाँच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन सेणवा में इस तरीके से एक शख्स का शव बरामद होने से सनसनी जरूर फैल गई। और अब खबर है टोंक से, जहां जनता की सुविधाओं के लिए बनाए गए विभाग ही लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। सरकारी दफ्तरों में बढ़ते करप्शन ने आम लोगों को काफी परेशान किया है। बड़े काम के लिए बड़े और छोटे काम के लिए छोटी रकम ली जाती है। अगर रिश्वत नहीं दी तो विभाग के चक्कर काटते काटते जूते खिंच जाते हैं, लेकिन आपका काम नहीं होगा। जिले में सबसे आगे परिवहन विभाग है, यहां बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। सुबह 10 बजे से सभी स्टाफ अंदर आने के बाद अंदर से ताला लगा लेता है। रिश्वत के इस खुले खेल से परेशान लोगों ने पिछले सप्ताह जिला परिवहन कार्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन भी किया था। लोगों ने जिला परिवहन अधिकारी अवधेश चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों से कमर्शियल ट्रॉली के नाम पर 10 से 15,000 रुपये वसूल किए जाते हैं। तो सरकारी दफ्तरों में करप्शन बढ़ रहा है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। लोगों का यह कहना है कि परिवहन विभाग में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। 10 से 15,000 रुपये अधिकारियों की ओर से रिश्वत ली जाती है, उसके बाद कोई काम होता है और इसी बात से नाराज़, इसी बात से गुस्सा है लोगों ने।
परिवहन विभाग के दफ्तर के बाहर धरना दिया, प्रदर्शन किया। लोगों का ये कहना है कि भ्रष्टाचार ने उन्हें परेशान कर रखा है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि सरकार ये दावा करती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। ऐसे में अगर लोगों को भ्रष्टाचार से जूझना पड़े तो ये अपने आप में एक गंभीर समस्या है, इसलिए सरकार इस पर विचार करे, सोचे। सिड़वा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पनोरिया में जलदाय विभाग की ओर से निर्मित पानी की टंकी टूटने के कगार पर है। तकरीबन 70,000 लीटर क्षमता की पानी की टंकी 30 साल पुरानी है और 30 सालों में ना तो टंकी की कभी मरम्मत हुई है और ना ही विभागीय अधिकारियों ने इसकी ओर कोई कभी ध्यान दिया। जलापूर्ति का एकमात्र जरिया ये पानी की टंकी है, जिससे लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। अगर किसी दिन यह टंकी टूट जाए तो पानी की बड़ी गंभीर समस्या, बड़ी किल्लत हो सकती है। विभागीय अधिकारियों का आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं गया। अब तो टंकी के अंदर से पानी का रिसाव चालू हो गया है, लेकिन लापरवाह अधिकारी जागने को राजी नहीं है। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ सकता है। अजमेर में गुलाबबाड़ी में बना अंडरब्रिज बारिश के पहले ही लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। गुलाबबाड़ी स्थित डॉक्टर रेणु शर्मा अस्पताल के पीछे स्थित अंडरब्रिज में लगातार सीवेज का पानी आ रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बारिश की वजह से पहले ही ये हाल है, यानी कि अगर बारिश अभी नहीं हुई है उससे पहले अगर ये हाल है तो बारिश के बाद स्थिति क्या होगी अंदाजा लगा सकते हैं। आम का तालाब से मुख्य मार्ग पर जाने का ये एकमात्र रास्ता है, जो बारिश के दिनों में और ज़्यादा तकलीफदेह हो जाता है। ऐसे में लोगों ने बारिश के पहले सीवरेज और बारिश से बचाव के लिए पार्षद और प्रशासन को इस पर तुरंत ध्यान देने की मांग की है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने 17 साल नाबालिग लड़की के एक अपहरण मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए मात्र 12 घंटे में बदमाशों से नाबालिग को छुड़वाया, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कंचनपुर थाना एसएचओ देवेंद्र शर्मा ने बताया है कि फरियादी ने अपनी 17 साल की बेटी के अपहरण में आरोपी दीनू और अन्य के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसमें पीड़ित ने बताया कि आरोपी उसकी बेटी को रात को घर से अपहरण करके ले गए थे। दिनांक 3 जून और 4 जून की मध्य रात्रि को एक नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ था, जिसमें श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर द्वारा मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर टीमों का गठन किया गया था। चूंकि वहां काफी संवेदनशील मसला था, नाबालिग का अपहरण था। और अब खबर है वल्लभ नगर से, जहां कानोड़ कस्बे में पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर एक खेत में अचानक से आग लग गई। आग से खेत पर पड़ी सूखी लकड़ी, केबल पाइप सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए। वहीं आसपास के लोगों ने इसकी सूचना नगर पालिका और दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आसपास के खेतों में आग की लपटों ने किसानों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। लगातार आग लगने से ग्रामीण काफी परेशान है। वल्लभ नगर का यह मामला है, जहां पर आग लगने का मामला सामने आया। हालांकि भारी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जिस तरीके से हमने इससे पहले भी आपको बताया है कि जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे वैसे आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है।
अचानक से इस खेत में भीषण आग लग गई, जिसके बाद बमुश्किल इस आग पर काबू पाया गया। वल्लभ नगर में खेत में आग लगने की घटना सामने आई। अचानक से बताया जा रहा है कि ये आग लगी, जिसके बाद देखते देखते इस आग ने खेत को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। और अब खबर है श्री गंगानगर से, जहां किसानों ने सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग की है। आपको बता दें कि किसानों ने श्यामगढ़ माइनर नहर की टेल से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए 250 परिवारों ने सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग की है। किसानों का आरोप है कि नहर की टेल से छेड़छाड़ हुई तो 250 परिवार बर्बाद हो जाएंगे। किसानों का यह भी कहना है कि पिछले एक साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जिसके बाद नाराज किसान राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन देकर सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग की है। हम उन लोगों के साथ, वो पावरफुल है, शक्तिशाली है, पैसों में ज़्यादा है, हम उनके साथ लड़ने में असहमत हैं। और हम इससे ज़्यादा तो आपसे इच्छा मृत्यु की फिक्र है कि हमें इसे अच्छा दिन चाहिए। और अब खबर है था लड़का से, जहां सड़क के किनारे पुराने जर्जर खराब पेड़ की कटाई को लेकर उप जिला प्रमुख मुकेश सारण ने जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और जिला वन अधिकारी कर्ण सिंह काजला को ज्ञापन देकर कहा कि था लड़का से नेहरा वाली ढाड़ी के सड़क के किनारे काफी समय से पुराने जर्जर खराब पेड़ों के चलते सड़क पर पेड़ गिर रहे हैं और इसके कारण कई बार हादसे भी हो चुके हैं। साथ ही ग्रामीणों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है और इसका समाधान जल्दी करें, नहीं तो उप जिला प्रमुख के नेतृत्व में ग्रामीण घेराव करेंगे और प्रदर्शन भी किया जाएगा। वन विभाग के अधिकारी DFO काजला जी को गांव थलड़का से नेहरावाड़ी डाणी, जो 5 किलोमीटर रोड है, राव सर्वित्रिका नहर के किनारे पर रोड बनी हुई है, उसकी साइड में 5 किलोमीटर तक सफेदे हुए बबूल के पेड़ है 400 के लगभग। तो मैं 4-5 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूँ। उस रोड से 10-15 गाँव को जोड़ने वाली वो रोड है, आज तक 6-7 दुर्घटना एक्सीडेंट होने से वहाँ मौत भी हो गई। और गाँव नेहरावाड़ी डाणी के 60-70 दुकानें हैं जो थलड़का में हैं, अगर थोड़ी बहुत भी अंधकार आता है या बारिश होती है तो उनके माता पिता को चिंता रहती है, रास्ता वो बंद हो जाता है। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।